नमस्कार। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में 36 का आंकड़ा है और दोनों एक दूसरे के कभी कभी आमने सामने आ ही जाते हैं और जब दोनों आमने सामने आते हैं तो टकराव होता है। कभी दिल्ली सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगाती है और उन्हीं आरोपों का जवाब केंद्र सरकार बड़ी ही बेबाकी से देती है। अब एक बार फिर दिल्ली की सरकार और दिल्ली पुलिस आमने सामने है। मामला कुछ यूं है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार के इशारे पर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा हटा ली है। फिर क्या था, इस आरोप पर मुंहतोड़ जवाब देते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के उनको दिल्ली पुलिस के द्वारा जेड प्लस सुरक्षा दिया गया है, जिसमें पायलट, एस्कॉर्ट, क्लोज प्रोटेक्शन टीम, होमगार्ड, स्पॉटर्स, सर्चिंग फिस्किंग स्टाफ इत्यादि के रूप में 47 सादे कपड़े सुरक्षाकर्मी और सीआरपीएफ से 16 बावर्दी पुलिसकर्मी तैनात हैं। उनको दिया गया सिक्योरिटी कवर अपरिवर्तित है और उनको दी गई सुरक्षा कर्मियों की संख्या में कोई कमी नहीं की गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के वजह से 4 पुलिसकर्मी जिनका नाम है कांस्टेबल गगनदीप, कांस्टेबल अंकुर, कांस्टेबल जीतूमणि दास और कांस्टेबल जितेंद्र, उनके स्थान पर 4 अन्य सिक्योरिटी पर्सनल की उनको तैनात किया गया है, जिनका नाम है कांस्टेबल नरेश, कांस्टेबल विनोद, कांस्टेबल अंकुश और कांस्टेबल शिवराज। सिक्योरिटी के सिलसिले में जो येलो बुक के नियमों को माना जाता है, फॉलो किया जाता है, उसके मुताबिक ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, अतः जेड प्लस सुरक्षा व्यवस्था बरकरार है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार बदनाम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाली दिल्ली पुलिस शानदार जवाब देकर दिल्ली के सीएम और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी की बोलती बंद करने से नहीं चूकी। दिल्ली पुलिस पीआरओ चिन्मय बिस्वाल साफ तौर से कह रहे हैं कि जेड प्लस सुरक्षा हटाई नहीं गई है, बल्कि उनकी सुरक्षा में 47 प्लेन क्लोथ सुरक्षा कर्मी और 16 वर्दी धारी सीआरपीएफ कर्मी तैनात हैं। साथ ही साथ एस्कॉर्ट, क्लोज प्रोटेक्शन टीम, होमगार्ड, स्पॉटर, सर्च एंड फ्रिस्किंग स्टाफ तैनात है। वहीं दिल्ली को नजदीक से जानने वालों का कहना है कि आम आदमी पार्टी ये सब उपचुनाव को लेकर कर रही है, क्योंकि दिल्ली नगर निगम की 5 सीटों पर मतदान होने जा रहा है और उपचुनाव में दिल्ली की तीनों ही बड़ी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी अपना वर्चस्व कायम रखने की कोशिश में जुटी हुई है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी अपने वजूद को बचाने की कोशिश में है। तो ऐसे में राजनीति तो होनी ही थी, तो वही हो भी रही है। लेकिन कहा जाता है झूठ के पांव ज्यादा नहीं होते, लेकिन दिल्ली पुलिस ने झूठ के पैर को पकड़कर पर्दाफाश कर दिया है।